हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने ससुराल के घर को कैसे डीप क्लीन की हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चल रहा था पेंट का काम, तो फिर बहुत ज़्यादा पूरा डस्ट इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस ये पाइप के पानी से पूरा डस्ट हटाया जा रहा है। और ये झाड़ू देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ नारियल का झाड़ू बोला जाता है, बहुत जगह तार का झाड़ू बोला जाता है। तो मैं इससे ही पूरा रूम को क्लीन कर रही हूँ, रूम, हॉल, किचन सब इसी से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। क्योंकि जब डस्ट ज़्यादा हो जाता है ना, कितना भी झाड़ू लगा लो, आप देख सकते हैं इसमें मैं किस तरीके से इस टाइल्स मार्बल पे मैं इस तरीके से मैं झाड़ू को लगा रही हूँ। क्योंकि ऐसे करने से धूल मिट्टी जितना भी है ना वो साइड हट जाता है। बट ऐसे आप सिर्फ सिंपल सा फूल झाड़ू जो होता है ना वो आप लगाइएगा तो उतना सही से नहीं साफ़ हो रहा था। इस बिकॉज़ मैंने सोचा कि मैं तो चली जाऊँगी, फिर मम्मी को करना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा मैं कर लेती हूँ। और मम्मी भी ऐसा नहीं कि मम्मी नहीं कर रही, मम्मी भी घर बहुत बड़ा है मेरे ससुराल वाला, आप लोग को पता ही है, छोटा घर नहीं है। तो मम्मी उस साइड कर रही थी, तब तक मैं इस साइड कर रही थी, ऐसे हम लोग मिलजुल के कर लिए। तो फटाफट यहाँ पे हो चुका है काम। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मम्मी उधर भी कर रही है, मैं इधर कर रही हूँ, और मेरी जो ननद है वो उस साइड काम कर रही है। तो सब के सब कर रही है, बट और ऐसा है ना कि काम ना जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। क्योंकि आप लोग का भी कहना था कि आप ससुराल के रूम का डीप क्लीनिंग कीजिए, डीप क्लीनिंग कीजिए। तो मैं और भी अच्छे से करती, लेकिन मुझे तो मतलब अचानक से मुझे तो आना पड़ गया, इस वजह से मैं और भी ज़्यादा शेयर आपके साथ नहीं कर पाई। पर जितना मुझसे हो सके मैं आप सके साथ शेयर की हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर छत का क्लीन कर रही, छत का जो फ्लोर होता है ना छत का, वो मैं क्लीन कर रही थी। तो वो क्लीन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम का जो ये रैक्स है ना, ये रैक्स पर भी काम जब हुआ था तो डस्ट इतना ज़्यादा आ गया था, कितना भी कपड़े से पोंछने से नहीं जा रहा था। तो इस तरीके से ही पोंछने से पूरा डस्ट साफ़ होता, ऐसे करके फ़ैन ऑन कर देंगे सब सूख जाएगा, उसके बाद लग जाएगा एक बार पोछा, और इस तरीके से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैंने की है साड़ी में, मैं ऐसे डीप क्लीनिंग पहली बार आप सबको करके दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो भी नहीं मेरा न्यू वीडियो देख रहे हैं, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ससुराल का घर आप सबको कैसा लगा, और मैंने क्लीनिंग किस तरीके से की, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और किस तरीके से मुझे करना चाहिए, मुझे और भी आप लोग आइडिया दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो फिर मैं उस हिसाब से मैं करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं पाइप से पानी दे रही हूँ, कितना ज़्यादा डस्ट उस साइड से निकल रहा है। यही होता है ना घर में थोड़ा सा। और ये है मेरा रूम, आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है। तो यहाँ भी वही काम मैं कर रही हूँ, पाइप से पूरा पानी डाल, इतना डस्ट है, इतना डस्ट ना मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे बेड पे डस्ट डस्ट हो जा रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था। बट क्या कर सकते हैं, जब घर में काम होता है ना तो यही होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं कर रही है, मम्मी भी कर रही है, और फिर जो मेरी ननद है वो भी कर रही है। तो यही है कि मिलजुल के आप कर लीजिए तो फटाफट हो जाता है। वही अगर मुझे अकेला करना होता तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, लाइक 5-6 घंटे तो लग ही जाता आराम से, जितना बड़ा घर है अगर मुझे उसमें अकेले करना पड़ता तो। बट सब लोग मिलजुल के कर लिए तो काफ़ी जल्दी काम हो गया। और मुझे आज जाना भी है अररिया, सो ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैं काम कर रही हूँ, और अररिया मुझे निकलना है, लाइक मैं अररिया निकलूँगी 3-4 बजे शाम के टाइम पे, 3-4 बजे निकलूँगी। तभी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, सुबह सुबह उठ के पहले ये सब काम कर लिया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रूम हो चुका है, पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक बार पोछा लग जाएगा काम हो जाएगा ख़त्म। तो फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ। और बताएं, मैं आपको बताऊँ कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, इतना डस्ट पैर में, इतना डस्ट लग रहा था ना मुझे, और भी अच्छा नहीं लग रहा था, जितना ज़्यादा डस्ट निकल रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो चुका था पूरा का पूरा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो भी क्लीनिंग था वो हो चुका है कंप्लीट। और भी आप प्लीज़ वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अब चाय पी रहे हैं यहाँ पे, मतलब थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बस यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और उसके बाद करेंगे थोड़ी बहुत बातें आप सब से, नहा वहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे मैं। तो यहाँ पे हम लोग सब आदमी चाय पी रहे, तो होता नहीं जब काम धाम करने के बाद 2 मिनट शांति से बैठो तो थोड़ा सा चाय पी लो। तो मम्मी भी बहुत बुरी तरीके से थक चुकी, मम्मी भी थक चुकी थी,
और हम लोग भी थक चुके थे तो बढ़िया बैठ के चाय पी रहे हैं। इधर राहुल जी बैठ के चाय पी रहे हैं और यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे मेरे भांजा, तो वो शूट कर रहे थे कहीं कहीं पे, उन्होंने सही जगह पे शूट भी अच्छे से नहीं किया, बट फाइनली मतलब मेरा ब्लॉगिंग शूट हो गया ना। तो ट्राईपॉड लगाने से होता है कि जितना ट्राईपॉड लगाने से डर लग रहा था मुझे कहीं पानी वानी में गिर ना जाए, क्योंकि पाइप से पानी का काम कर रही थी, सिर्फ पोछा लगा दी तो कहीं स्टैंड डाल देती और मैं अपना पोछा लगा रही थी पानी वाला। तो आज मुझे मेरा सारा काम हो चुका है और अभी मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने ये वाला साड़ी वेयर किया है, ये साड़ी आप सबको पता ही है, मेरा अररिया में ही रहता, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। राहुल जी कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनका, और मैं आपको बताऊँ मेरा आवाज़ आ रही है, राहुल जी का आवाज़ का मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आज मुझे निकलना है, आज मुझे चले जाना है, ट्राईपॉड को बंद करना पड़ेगा और मैं यहाँ से निकलूँगी एक दो घंटे बाद निकलूँगी। तो अभी थोड़ा सा मैं नहाई हूँ ना, हेयर वॉश किया है मैंने आज और सिंदूर लगाई हूँ, पूजा की हूँ, उसके बाद अभी मैंने खाना खाया है और अब भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद निकलूँगी। और ये देखिए देर डर खायल हम तो खाइए ले ली रौरा खाई ली है तो फोन से वीडियो बात करम, वीडियो होइत रहता याद रखो रूप में। मेरा सोना बच्चा, मेरा बाप रे भाई, लिपस्टिक लगा दी कौन दीदी लगा दी है मत आ जा 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 हो बेटा गे हमर इतना निकलेंगे अभी, बस अभी सबको चेक कर रहे थे कौन क्या कर रहा है। मम्मी नहीं है, मम्मी गई है पूजा करने के लिए, यहाँ जो बरम बाबा है उनको मिठाई चढ़ाने के लिए गई है। तो मैं और यहाँ बाबू को देखिए, आ जाओ बाबू, हाल हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय हाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय बोल दो सबको, और पकड़ो दादा नहीं है पकड़ लिया। तो अभी जा सारा कुछ पैकिंग हो चुका है और जा रही थोड़ी देर में होंगी रेडी, फिर निकलूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी होके निकल चुकी हूँ अररिया के लिए, बस अब मैं देख सकते हैं मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो यहाँ मैं अररिया पहुँच जाऊँगी, ओबियसली 5-6 घंटे लगता है मुझे पहुँचने में। तो ये है कुछ रास्ते का व्यू, तो मैं सोची आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ व्यू। और हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का ढाबा था, तो वहाँ हम रुक के सोचे कुछ खा लेते हैं, क्योंकि रात का टाइम हो गया था, घर पहुँच के बनाना पॉसिबल नहीं था। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे था, बिल्कुल सेफ्टी था, ऐसा नहीं था कि यहाँ सेफ्टी नहीं था, बहुत अच्छे से सेफ्टी था, सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने दिया। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने सर्व किया है और सब कुछ सैनिटाइज़ किया हुआ है, इसलिए कि कोई भी डर नहीं है हमें बाहर खाने से। अभी लोगों को बहुत डर है कि हम बाहर खाएँगे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक रेस्टोरेंट ढाबे में बहुत अच्छे से कुछ सैनिटाइज किया गया है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। और मैं पहुंच चुकी हूँ अररिया गेट से, आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।